हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नमस्कार। खरखोदा नगर पालिका ने जो ये एक्शन दिखाया है नोटिस डालने का, अब ये कहां कहां ज्योग्राफिकल स्थिति से गुजरेगा ये मैं आपको बताऊं। थानाकला रोड से सांपला रोड, बरोना रोड तक तो हमने बता ही दिया था, यहां से तो चली गया है, नोटिस भेज दिए हैं। इसके अलावा जो मटिंडू चौक है चौराया बिल्कुल, इसके सांपला रोड तक, पूर्व वाटिका से पहले तक, यहां से लेके और पूर्व वाटिका के पीछे, पीछे से लेके बिल्कुल आगे चले जाओ बिल्कुल बाईपास तक, उनके पीछे पीछे जितने भी मकान बने हुए हैं, इसमें सारी सोलगर बस्ती, हरिजन बस्ती, दानकान बस्ती, थोड़े से खटीकान के मकान और आगे जाके कुछ शनी मोहल्ले के मकान, इस तरह से सारे के सारे मकान मटिंडू रोड पर बाईपास तक का कवर, सबको नोटिस मिलेंगे, ऐसा ऐसी योजना है। उधर दूसरी तरफ जो प्रताप स्कूल है इसके सामने से एक भीड़ी गली है बिल्कुल, जहाँ दुकानें निकाली थी, यहाँ से लेकर फिर ये गली आगे जाके मटिंडू रोड पे मिलेगी, उस एरिया में सारे में नोटिस बटेंगे और आगे जाके फिर जो चौराहा बनता है गड्डी मोहल्ला की तरफ, जो गली जाती है वो गड्डी मोहल्ला की तरफ गली जाएगी एकता चौक के आसपास तक, और एकता चौक के आसपास तक उसके पीछे तक थोड़ा सा एरिया छोड़ के जो रजिस्ट्री की लैंड है उसके पीछे से लेकर हरिजन चौपाल, सैनियों की चौपाल और वो जितने भी जोड़ हैं वो सारे उसके साथ से लेकर फिर उल्टा मटिंडू रोड पर जहाँ इंदिरा गांधी के प्लाट कटे हुए थे इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत, उनको छोड़ के वहाँ तक उन सभी को भी नोटिस बटेंगे। इसके अलावा जो प्लाट कटे थे उनमें भी किसी लोगों ने वैसे कब्जा कर रखा है उनको भी नोटिस बटेंगे। मटिंडू रोड पे तो पूरा का पूरा मटिंडू रोड जो दक्षिण की दिशा में है सबको नोटिस मिलेगा, सांपला रोड से लेके वहाँ तक, चाहे वो पुजारी वाली ज़मीन है, चाहे वो नगर पालिका की बोली वाली ज़मीन है, चाहे किसी की भी है, सारी की सारी को नोटिस, चाहे उसमें चर्च है और हैं, सबको नोटिस देने की नगर पालिका की प्लानिंग है। नगर पालिका के रिकॉर्ड में वो ज़मीन सारी की सारी नगर पालिका की मलकियत की दिखती है। इसके अलावा रोहतक रोड पर जो पुराना रोहतक रोड है और नया रोहतक रोड है जो कॉलेज के सामने है और कॉलेज के साइड में जो बस्ती है शमशान तक, उसमें भी पूरी के पूरी को नोटिस देने की प्लानिंग है, नोटिस बनाए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है नगर पालिका की जहाँ भी ज़मीन रिकॉर्ड में दिखती है अब उन सभी को नोटिस मिलेंगे। हालांकि जो वो नोटिफिकेशन होना है पुराने सालों का, किसका कितना कब्जा है, वो अभी हुआ नहीं है, उस पर अब आधारित रहेगा। लेकिन अभी तो दुकानदारों में हड़कंप मचा था, अब पूरे शहर में ही हड़कंप मचेगा, करीब कई हज़ार मकान ऐसे आ जाएंगे जिनको नोटिस मिल जाएगा और वो नगर पालिका में जाकर उसका जवाब देंगे या आगे की कार्रवाई करेंगे। कुछ लोग कोर्ट में जाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। प्रताप गर्ल्स स्कूल सांपला रोड खरखोदा, खरखोदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा, नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। खरखोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरखोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों के हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। केदारनाथ एंटरप्राइजेज इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, ईंट, रोड़ी, क्रेसर, सीमेंट, बदरपुर, एएसी ब्लॉक, सरिया, शटरिंग सामान। कॉन्टैक्ट राजेश डबास 7419555657 9999665920। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।